दोस्तों ये मेरे पीछे जो आपको दरवाज़ा नज़र आ रहा है ये हैदराबाद सिंध म्यूज़ियम का है। आज हम आए हैं हैदराबाद का ये सिंध म्यूज़ियम विज़िट करने, तो आइए चलते हैं और देखते हैं इस सिंध म्यूज़ियम को। ये जो मेरे पीछे नज़र आ रहा है ये घर का व्यू है जिसमें आप देख रहे हैं औरतें बैठी हुई अपना काम कर रही हैं, और इस तरह से ये पूरा उस दौर के जो पुराने दौर के जो घराने थे सिंध के अंदर वो इस तरह के होते थे, आज भी तकरीबन ऐसे ही होते हैं। ये पुराने दौर के जो बर्तन थे ये बर्तन उस दौर के पड़े हुए हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं। ये उस दौर के जो लोग थे ये बर्तन बनाते थे, मिट्टी के बर्तन बनाते थे, ये उसी का व्यू है। ये भी पुराने दौर के लोग जो थे ये बर्तन बनाते थे, तो ये उनके हैं। ये जो लोहे के हथियार या जो खेती के लिए जो बनाते थे ये आपको नज़र आ रहे हैं, ये उनका व्यू है। ये उस दौर के लोग जो थे कपड़ा बनाते थे हाथ से, तो ये उसका व्यू है। ये काशी का जो सामान बनता था मिट्टी से, ये वो लोग हैं जो हिकमत का काम करते थे, जो डॉक्टर थे उस दौर के, वो हिकमत वाले डॉक्टर का व्यू है जो आपको नज़र आ रहा है। ये जो लकड़ी के फर्नीचर वगैरह जो बनाते थे लोग उस दौर के, ये उनका व्यू है। तो ये लकड़ी के जो हैं वो बना रहे हैं, फर्नीचर का काम कर रहे हैं। ये घर का व्यू है जो उस दौर के लोग घर की लाइफ गुजारते थे, तो ये उनका है। औरत अपनी काम कर रही है और ये जो आपको दिख रही है वो खाना पका रही है, ये चारपाई पड़ी हुई है।
ये जो मोहनजोदड़ो से पत्थर मिले थे और ये उनका है, ये मिले हुए वो मोहनजोदड़ो के पत्थर हैं। ये मोहनजोदड़ो काई एरिया है, जो बिल्कुल सेंटर वाला एरिया जिससे कहा जाता है, जहाँ पे एक बहुत बड़ा तालाब बना था पानी का, और इस तरह से ये उनका व्यू है। ये भी उसी मोहनजोदड़ो से ही मिली हुई चीज़ें हैं जो आपको नज़र आ रही हैं, पत्थर की बनी हुई। और ये भी आप देख सकते हैं मोहनजोदड़ो से ही जो मिली हुई है, और ये ऊपर जो आपको नज़र आ रही है वो ये राइटिंग है, जो आज तक कोई नहीं पढ़ सका इसको कि क्या लिखा हुआ है, तो ये वो मोहनजोदड़ो की राइटिंग ही है। ये उस दौर की बैलगाड़ी का जो कॉन्सेप्ट था, ये वो है, पहली जो बैलगाड़ी बनी थी वो इस तरह की बनी थी। ये उस दौर में जो लोग थे मोहनजोदड़ो के, वो अपने भगवान को मानते थे, ये उनका स्टेचू है। ये भी उसी दौर का स्टेचू है, ये उन्होंने भगवान की जो मूर्तियां हैं ये उस दौर की हैं जो मोहनजोदड़ो से मिली थी। मोहनजोदड़ो की बाहर वाला एरिया में जो है बनाया हुआ है बादल के तौर पे, ये आप देख सकते हैं कि मोहनजोदड़ो का जो बाहर वाला एरिया है वो इस तरह से है बना हुआ। ये उस ज़माने के जो हैं वो चीज़ें, जो बर्तन के तौर पे और मेकअप के तौर पे जो चीज़ें इस्तेमाल किया करते थे, ये वही हैं।
दोस्तों इस वीडियो का बकाया हिस्सा भी जल्दी आपके सामने पेश किया जाएगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।